अब हम देखने वाले हैं बाइनरी नंबर सिस्टम से हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्जन कैसे किया जाता है। लास्ट वीडियो हमने देखा था बाइनरी नंबर सिस्टम को ऑक्टल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। बहुत आसान था, बाइनरी नंबर सिस्टम को ऑक्टल नंबर सिस्टम में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो जो भी गिवन बाइनरी नंबर सिस्टम उसको तीन तीन का पेयर बनाना था आपको। इधर ये तुम्हें याद रखना है बच्चों कि अगर किसी भी बाइनरी नंबर सिस्टम को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो बस चार चार का पेयर बनाना है, बहुत आसान है। तो देखो ये जो गिवन नंबर है कैसे पता चलेगा मुझे बाइनरी में, क्योंकि इसका बेस कितना है, टू। और बाइनरी में टोटल कितने नंबर होते हैं, दो, वो होते हैं जीरो एंड वन। अब कैसे क्या करेंगे, चार चार, मैंने बताया आपको कि चार चार का पेयर बनाना है। तो ये हो गए पहले, यहां से स्टार्ट करते हैं हमेशा राइट हैंड साइड से, चार का पेयर हो गया और यहां से भी चार का पेयर हो गया। अगर यहां पर चार नंबर नहीं होते तो हम अपनी तरफ से जीरो लगा लेते। अब इसको डेसिमल में लिखना है डायरेक्ट मुझे, तो कैसे लिखेंगे, सीधे इसका आंसर मैंने बताया था आपको, ट्रिक याद कर लो, 1 2 4 8, जिस नंबर के करस्पॉन्डिंग 1 लिखा हुआ है वही आपको आंसर लिखना है। तो इधर हो गया 1, नेक्स्ट वाला नंबर कितना होगा, इसके करस्पॉन्डिंग लिखिए 1 2 4 8, इसके करस्पॉन्डिंग 1 है तो 1, 2 के करस्पॉन्डिंग 1 है प्लस 2, 4 के करस्पॉन्डिंग 0 है तो 4 नहीं ऐड होगा, 8 के करस्पॉन्डिंग 1 है तो 8 ऐड होगा, तो 8 प्लस 2 प्लस 1 11, ये हो गया 11, तो 111 इसका आंसर हो गया। अब चूंकि ये जो 11 आया, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 11 नाम का कोई नंबर ही नहीं होता, हमेशा 11 किससे रिप्रेजेंट करते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में, बी से, 10, 9 तक तो एज इट इज होता है, ए, 10 को ए से रिप्रेजेंट किया था, तो 11 को किससे रिप्रेजेंट किया था, बी से, तो इसका आंसर हम B1 और 16 लिखेंगे, ये इसका फाइनल आंसर है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये गिवन नंबर सिस्टम है, इसको मुझे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो चार चार का पेयर बनाएंगे हमेशा राइट हैंड साइड से, ये चार का पेयर हो गया, एक और चार का पेयर बनाएंगे, और इसके आगे चार नहीं है तो आगे क्या करेंगे, हम दो जीरो लगा लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको डेसिमल में लिखना है तो नंबर याद कर लो, 1 2 4 8, जिस जिस नंबर के करस्पॉन्डिंग 1 है बस वही नंबर आपस में ऐड करना है, इन तीनों के करस्पॉन्डिंग 1 है तो 8 प्लस 4 12 प्लस 2 14, 14 को हेक्साडेसिमल में किस में रिप्रेजेंट करते हैं, ई में, तो ये ई हो गया। नेक्स्ट हो गया 1 2 4 8, इसमें किसके करस्पॉन्डिंग 1 है, सिर्फ 8 के, तो आंसर इधर 8 आ जाएगा। नेक्स्ट में 1 2 4 8 किसके करस्पॉन्डिंग 1 है, सिर्फ 1 के, तो 1 आ जाएगा। पहले वाले ग्रुप का पहला वाला नंबर आ जाएगा, सेकंड वाले ग्रुप का सेकंड में नंबर आ जाएगा, और थर्ड वाले ग्रुप का थर्ड में आ जाएगा। हमेशा ऐसे इसको लिखते हैं और ये इसका बहुत ही आसान मेथड है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, अगर यही क्वेश्चन हमें पॉइंट्स में दे रखा होता तो कैसे हम सॉल्व करते, देख लेते हैं क्वेश्चन पॉइंट्स का भी। 0110.010, सपोज करो जीरो, ये दे रखा है मुझे, बाइनरी नंबर सिस्टम है, मुझे हेक्साडेसिमल निकालना है, तो पॉइंट्स के इस तरफ के नंबर को 4 के पेयर में बना लो और पॉइंट्स के इस तरफ के नंबर को 4 के पेयर में बना लो। तो देखो 1 2 4 8, किस नंबर के करस्पॉन्डिंग इसमें 1 है, तो सिर्फ पहले पॉइंट्स वाले नंबर को, पॉइंट्स को एज इट इज लिख देंगे, पॉइंट्स के राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड को लिखना है और लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड को लिखना है। तो देखिए इधर 4 के करस्पॉन्डिंग है तो इधर 4 हो गया, अब पॉइंट्स के इस तरफ चलेंगे 1 2 4 8, किस किस नंबर के करस्पॉन्डिंग 1 है, तो उन दो नंबर को आपस में ऐड कर देंगे, 4 प्लस 2 6, तो 6.4 और ये 16। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।